नमस्कार। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर एक एक सीट पर आंकड़े सामने आ चुके हैं कि आखिर एक एक सीट पर कौन आगे दिखाई दे रहा है। 10 बड़े मंत्रियों में भी आंकड़े सामने आ चुके हैं कि आखिर कौन आगे दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश को लेकर यह रिजल्ट सामने आ चुके हैं और रिजल्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश में कमलनाथ छिंदवाड़ा से पीछे चल रहे हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लिए बुधनी से आगे चल रहे हैं हर एक सीट का आंकड़ा। नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी आगे चल रहे हैं दिमरी सीट से। कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर आगे चल रहे हैं इंदौर बंद से। इसके अलावा बात की जाए नरोत्तम मिश्रा यहाँ पीछे चल रहे हैं दतिया से। जो बड़ी खबर इस समय की आ रही है जो रुझान सामने आ रहा है, राकेश सिंह बीजेपी के आगे चल रहे हैं जबलपुर पश्चिम सीट से। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस यहाँ पीछे चल रहे हैं चचौड़ा सीट से। यहाँ पर प्रियंका मीणा बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही हैं, जबकि जीतू पटवारी कांग्रेस आगे चल रहे हैं मऊ से, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पीछे है। जबकि विश्वास सारंग भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है नरेला से, वो भी आगे चल रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो हर एक सीट के आंकड़े सामने आ रहे हैं। निवाड़ी की अगर बात की जाए निवाड़ी से यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है। यहाँ पर खरगापुर से कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि महाराजपुर से भारतीय जनता पार्टी आगे है। चंदला से यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि राजनगर से भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर बाड़वाड़ा से भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यहाँ विजय रामगढ़ से भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। यहाँ पर मुड़वाड़ा पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। यहाँ बरोही बंद पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पाटन से कांग्रेस यहाँ पर आगे है, जबकि मुरैना भी कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। दिमनी से भारतीय जनता पार्टी आगे है। अंबा से यहाँ पर जो है कांग्रेस पीछे नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बात की जाए तो विंड से भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर लाहौर से कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है कमल खिलाड़ी, जबकि अगर बात की जाए मेघालय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। गोहद से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे दे है। ग्वालियर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी आगे है। ग्वालियर से भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। ग्वालियर दक्षिण में भी कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है, जबकि अगर बात की जाए तो भीतरवाड़ में यहाँ कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। आगे डबरा से भी कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए सेवर से यहाँ पर कांग्रेस पीछे नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। भांडेड़ में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। दतिया से भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। यहाँ करेला से कांग्रेस आगे है और यहाँ पर पोहरी भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही है। यहाँ शिवपुरी से कांग्रेस यहाँ पर पीछे, जबकि भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए पिछोर में कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। कोलारस में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। बामोरी में भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही है। गुना से यहाँ पर कांग्रेस पीछे है। आगे बात की जाए यहाँ पर राघोगढ़ की यहाँ पर जो कांग्रेस है वो आगे दिखाई दे रही है, जबकि अशोकनगर में भी कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए चंदेली से कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। मुंगावली में भी कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। खुरई में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। यहाँ पर सुरखी में भी भारतीय जनता पार्टी यानी जो देवरी है यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई, रैली में भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। नरियावली में भी भारतीय जनता पार्टी, सागर जिले में यहाँ सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। सागर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। बंडा में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए टीकमगढ़ में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। जतारा में यहाँ पर जो है कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। खरगापुर में भी कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। महाराजपुर में यहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। बीजापुर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। मल्हारा में यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा आगे दिखाई दे रहा है। पथरिया में भारतीय जनता पार्टी आगे है। दमोह में भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। जबेरा में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई रही है। यहाँ पर आटा में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दी है। पबई में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दी है। गुन्नौर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। पन्ना में यहाँ पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए चित्रकूट में भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। यहाँ पर रेगांव में भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। सतना में भारतीय जनता पार्टी आगे है। नागौद में भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दी है। मैयर में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। अमरपाटन में कांग्रेस यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। सिरमौर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। सिमरिया में भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए त्योथाड़ में भी यहाँ पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। मऊगंज में यहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे है। यहाँ पर बात की जाए देवतालाब में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। मनगावी में भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। रिया में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। गुड़ में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए चोरहट में यहाँ पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। सीधी में भारतीय जनता पार्टी आगे है। यहाँ पर सियावल में भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। चितरंगी में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। सिंगरौली में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। देवसर में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पीछे, जबकि कांग्रेस यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए धोनी में भी यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। व्यवहारी में भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा आगे है। जयसिंह नगर में भारतीय जनता पार्टी आगे है। यहाँ पर जयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी पीछे, जबकि कांग्रेस यहाँ आगे दिखाई दे रही है। कोतमा में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है।
यहाँ पर बात की जाए अनूपपुर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, यहाँ पुष्पराजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आगे है, यहाँ पर बांधवगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, मानपुर में भारतीय जनता पार्टी पीछे जबकि कांग्रेस यहाँ आगे दिखाई दे रही है, यहाँ कोतमा में कांग्रेस का पलड़ा पीछे जबकि भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, अनूपपुर में भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह से यहाँ पर जो है आगे नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर तो बाड़बाड़ा में भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर जो शुरुआती रुझान है उनमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। 142 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अब तक के जो रुझान है उसमें कांग्रेस 85 और अन्य के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना अब तक आई है। यानी रिजल्ट से साफ तौर पर जाहिर है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बड़ी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। फिर भी आपको बता दें ये यहाँ पर रुझान है, फाइनल नतीजे भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश को लेकर तैयार रख सकते हैं? फाइनल नतीजों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।